मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन से चली आ रही एक्सवाट एम्बुलेंस के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने को लेकर अब तक की गई तमाम बातचीत बेनतीजा साबित हुई। शुक्रवार को हड़ताल के 11वें दिन भी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कपड़े उतारकर ईदगाह मैदान पर भीख मांगी। कर्मचारियों का कहना है कि एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हड़ताल के कारण अब उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। सागर में राज्य स्तर पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़े ग्राहकों के साथ नागरिकों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट और अधिकारी ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये ज्यादा जरूरी है। साइबर पुलिस ने कॉल सेंटर से संचालित किए जा रहे फर्जी लोन गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। भोपाल और उज्जैन की टीम ने देवास, उज्जैन, मक्सी, सारंगपुर के कॉल सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने फर्जी मैनेजर, फर्जी खातेदार और फर्जी सिम रिटेलर को भी गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों को ठगने वाले आरोपी साइबर क्राइम भोपाल की हिरासत में है। मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला सामने आया है। यहां एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए भगवान की तस्वीरों का सहारा ले रही थी। दरअसल कंपनी अंडरगार्मेंट्स का सामान बेचती है और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसने जो तरीका निकाला उससे शहर में बवाल मच गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी शादी की 25वीं सालगिरह बाबा महाकाल के दरबार में मना रहे हैं। सुबह अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ विमान द्वारा उज्जैन पहुंचे, दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे ही थे कि तभी हार फूल की दुकान संचालित करने वाली महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और अपनी परेशानी सुनाई। मुरैना की जिला जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दिनेश जाटव सिंगल बस्ती का रहने वाला था जिसने जेल के शौचालय में फांसी लगा ली। दिनेश अपनी ही भांजी से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था। आज कोर्ट में उसके मामले की अंतिम सुनवाई थी। जबलपुर के पास सिमरिया रायपुरा से कटनी आ रही बस के पीछे के दोनों पहिए एक साथ एक्सल सहित अलग हो गए। हादसा गुरुवार की शाम करीब 4 बजे कटनी बस स्टैंड से 500 मीटर पहले मुख्य मार्ग पर हुआ। चलती बस से अचानक पहिए के अलग होते ही बस की बॉडी सड़क पर आ गई और उसका कुछ हिस्सा टूट गया। हादसे के दौरान बस में 15 से ज्यादा यात्री सवार थे। 7 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शाजापुर में 2 माह से पेयजल समस्या से जूझ रही वार्ड 27 की महिलाएं शुक्रवार को खाली बर्तन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और नारेबाजी करने लगी। शहर के वार्ड 27 में पानी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण क्षेत्र के रहवासी काफी परेशान हैं। इंदौर के न्यू सियागंज मार्केट के गोडाउन में एक मजदूर की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लिफ्ट में फंसने के कुछ समय बाद तक वो जिंदा था और मदद के लिए छटपटाता रहा, लेकिन इससे पहले कि उसे मदद मिल पाती उसने दम तोड़ दिया। रीवा के वेयरहाउस के ट्रांसपोर्टर और चालकों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ये लोग कई दिनों से लदा चावल वेयरहाउस में खाली न होने से नाराज हैं। विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए इन लोगों का कहना था कि मंत्री के वेयरहाउस को भरने के लिए एक साथ भेजे जा रहे सैकड़ों ट्रकों की वजह से खाली करने में दिक्कत हो रही है।